नमस्ते बच्चों, आप कैसे हो? आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। आप लोग कहानी सुना है? आपको कहानी पसंद है? हमारा कहानी का नाम है एकता में बल। इसका अंग्रेजी अर्थ है यूनिटी स्ट्रेंथ। अब हम कहानी पढ़ेंगे। पाठ दो, एकता में बल, यूनिटी स्ट्रेंथ। किसी जंगल में पीपल का एक विशाल पेड़ था। उस पर बहुत से कबूतर रहते थे। एक दिन को बात है, सभी कबूतर भोजन की खोज में निकले। उड़ते उड़ते उन्होंने जमीन पर गेहूं का दाने बिखरे देखा। दाने देखते ही कई कबूतर एक साथ बोले, वाह, एक साथ इतने दाने, चलो खाएं। लेकिन उनके साथ ही उड़ रहा एक बूढ़ा कबूतर बोला, जरा सोचो, इस घने जंगल में ये दाने कहां से आए हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। बहुत समझाने के बाद भी नौजवान कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात पर ध्यान नहीं दिया और नीचे उधर कर दाने झुकने लगे। कबूतरों की नासमझी से दुखी होकर बूढ़ा कबूतर पास के एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। जब सभी कबूतरों ने भरपेट भोजन कर लिया, तब वे उड़ने की कोशिश करने लगे, पर उड़ नहीं पाए क्योंकि वे जाल में फंस चुके थे। द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इन ए फॉरेस्ट देयर लिव ए ग्रुप ऑफ पिजियंस इन ए बिग ट्री। वन डे एज यूजुअल द पिजियन फ्लू हाई इन द स्काई इन सर्च ऑफ फूड। Suddenly a pigeon shout, hey, just look down, good amount of grain scattered, let's go and eat them. Head of the pigeon said, do not go, you see, there are no fields nearby, but grains are scattered there. There is something fishy, please do not go. Then all the pigeons flew down to eat the grain. One of the pigeons said that, what is this? I cannot move my leg. Oh no, we are caught in a net. Example, unity is strength. Meaning of these words, विशाल, बिग, कोच में इन सर्च ऑफ, गेहूं, बीज, बिकरा, स्कैटर्ड, गड़बड़, रॉन्ग, नौजवान, यंग, जुगना, टू पिक अप द बिग ऑफ फूड, कोशिश, एफर्ट, जाल, नेट, घबराना, टू बी नर्वस, चिल्लाना, टू क्राई। नाउ लेट अस लर्न क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज, कबूतर कहां रहते थे? स्काउटर, कबूतर जंगल के पीपल के पेड़ पर रहते थे। दूसरा वन, कबूतरों ने जमीन पर क्या देखा? कबूतरों ने जमीन पर गेहूं के दाने देखा। कबूतर कहां रहते थे? इसका अंग्रेजी वेयर डिड द पिजियन लिव। कबूतर जंगल से पीपल के पेड़ पर रहते थे। इसका अंग्रेजी पिजियन लिव्ड इन एन एप्पल ट्री। दूसरा प्रश्न, कबूतरों ने जमीन पर क्या देखा? What did the pigeon see on the ground?
कबूतरों ने जमीन पर गेहूं के दाने देखा। द पिजियन सॉ द ग्राउंड इन द फॉरेस्ट सम ऑफ व्हीट। लेट्स डू सम एक्सरसाइज। सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाओ। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, पीपल का विशाल पेड़ कहाँ था? जंगल में, गांव में, शहर में, तालाब में। इसका करेक्ट आंसर जंगल में। दूसरा वन, जमीन पर किसके दाने बिखरे हुए थे? चावल के, गेहूं के, बाजरे के, चने के, गेहूं के। टिक लगाना है। तीसरा वन, कबूतर किसे देखकर घबरा गए? चावल को, जाल को, बकेलिए को, चूहे को, बकेलिए को। The last one, जान किसने काटा? चूहे ने, बूढ़े कबूतर ने, बकेलिए ने, गिलहरी ने, चूहे ने। Let me conclude my class. Today we discussed a story, Unity is Strength. Hope you understand. Note and test paper attached to this video. That's all for today. Dhanyavaad.